हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ चैनल इसका। मैं डेली यूज होम पर ट्री दोस्तों। जो आज की वीडियो है, आज हम अगर लैपटॉप में आवे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिस तरह की आपका पॉइंटर नहीं चलता, जो कि आपका जब भी आप लैपटॉप चलाते हो तो एक पॉइंटर होता है जिससे आप कोई भी अपना डाटा खोलना हो या जैसे कंप्यूटर का कुछ भी खोलना हो या फिर कहीं भी क्लिक करना हो, जैसे आप नेट पर चलाए यूट्यूब की वीडियो चलानी हो तो आप क्लिक करना होता है। दोस्तों जो पॉइंटर होता है, जो एरो होता है, वो बहुत बार क्या होता है, हमारा एरो मिस हो जाता है, नहीं वो चलता नहीं है या फिर कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की शॉर्टकट की गलती से हमसे दब जाती है या एंटर हो जाती है, जिससे हमारा जो पॉइंटर है वो भाग जाता है, रिमूव हो जाता है, यानी पॉइंटर नहीं होता हमारे लैपटॉप की स्क्रीन में। और फिर जब हम बिना पॉइंटर चलाते तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है किस तरह अपने लैपटॉप को ऑपरेट करें, किस तरह हम सेलेक्ट करें, अगर हमें कोई वीडियो चलानी है यूट्यूब की तो किस तरह हम उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि जब पॉइंटर नहीं आएगा तो उसके बिना बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। तो किस तरह हम आपको जो लैपटॉप कंप्यूटर को ऑपरेट करें, तो वही मैं आपको बताऊँगा। केवल 1 सेकेंड की सेटिंग है जिससे आप अपने जो अगर आपके लैपटॉप से पॉइंटर हट गया है तो वो आप उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं पॉइंटर को हम किस तरह, अगर हमारा पॉइंटर चला जाता है तो किस तरह हम पॉइंटर को दोबारा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेकर आते हैं। तो चलिए, तो भाई ये आ गया हूँ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और ये जैसे ये पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो हम पॉइंटर को मूव करते हैं, लैपटॉप हुआ या फिर हमारा कंप्यूटर हुआ, जो कि हमारा माउस चलता है, तो ये हमारा जो पॉइंटर होता है, तो हमारा ये पॉइंटर क्या है बहुत बार भाग जाता है और फिर हमें ये ऑपरेट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप इसको सही करेंगे। तो दोस्तों ये देखो, फिलहाल ये जो है पॉइंटर वगैरह चल नहीं रहा है, यहाँ पे से आप कुछ भी करेंगे तो कुछ भी नहीं खुल पाएगा। तो अगर इस तरह आपका अगर पॉइंटर अपना लैपटॉप का जो पॉइंटर है वो नहीं आ पाता तो ये बड़ी मुश्किल हो जाता है कि आप किस तरह आपको ऑपरेट करेंगे, किस तरह आपको चलाएंगे। बिल्कुल एक तरह से जो आपका जो भी लैपटॉप है या कंप्यूटर है यूजलेस हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ किस तरह आप कौन सी सेटिंग दबाएंगे, मतलब कौन से ऑप्शन से आप इसका वो ला सकते हैं पॉइंटर। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आपका पॉइंटर ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च में ये जो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिखना है टच पैड आपको लिखना है सर्च में। तो उसके लिए आपको अगर आप वैसे कुछ दबाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, यहाँ पे विंडो पर जैसे विंडो की आप दबाएंगे तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे टच पैड। देखो टच पैड की सेटिंग आ गई, टच पैड भी लिख सकते हैं या फिर आप सेटिंग भी लिख सकते हैं। तो टच पैड लिख दो, सेटिंग लिख दो, दोनों की वही बात है। तो जो आपको ऑप्शन आता है वो टच पैड वाला है, टच पैड आ गया तो आप इसमें एंटर करोगे तो ये ऑप्शन आपका खुल गया। तो ये आप जो देख रहे हैं टच पैड, यही ऑप्शन है जो बंद हो रहा है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था खुला हुआ था, तो ये क्या है, ये आपका जो टच पैड का ऑप्शन है वो बंद हो रहा है। तो इसको आप ऑन करें तो आपका पॉइंटर चलना शुरू हो जाएगा। तो ऑन किस तरह, अगर आप एंटर दबाते हैं तो वो ऑन नहीं होता, तो आपको क्या करना होगा, ये जो की होती है स्पेस की जो दबाएंगे, तो देखो मैं इसके स्पेस की आप दबाता हूँ तो ये देखो ऑन हो गया, स्पेस की दबाते ही ऑन हो गया और दोबारा दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये फिलहाल आपका ऑफ था, तो इसे दबाते ही स्पेस की दबाते ही ऑन हो जाएगा। और अब देखो ये देखो माउंटर, ये हमारा जो पॉइंटर चलना शुरू हो गया, और इस अगर हम इसको दोबारा दबा देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। जैसे ये ऑफ होता है तो ये नहीं चलेगा, अब देखो नहीं चल रहा है, मैं चला भी रहा हूँ नहीं चल रहा है। तो वही होता है कि आपको ये टच पैड की सेटिंग में जाना है, टच पैड ब्लूटूथ डिवाइस में टच पैड भी लगा, खाली टच पैड डाल दो, सेटिंग डाल दो, टच पैड जैसे ही आ जाएगा तो आप जैसे ये दबाएंगे इस पे वाला तो आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपका ये काम करना शुरू हो जाएगा, ये देखो आपका काम करना शुरू हो गया। दोस्तों ये सेटिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो बढ़ाए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं कुछ प्रॉब्लम फेस करता हूँ वो आपके लिए लेके आता हूँ। चलिए।